हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस आप कैसे हो आप? तो गाइस मैं सुबह सुबह भैया टाइम हो रहा है 10:26, मतलब गाइस मैं सुबह सुबह काम करना है स्टूडियो में और भाई देखा कि सामान की बहुत कमी है यार, इतना सामान आता है भाई, दिक्कत यह है। ये नहीं भाई एक है दो ना, इकट्ठा सामान मैं लेकर आता हूँ, मतलब 4-5 चीज गाइस मैं लेकर आता हूँ, तब भी उनका नहीं पता रहता कि भाई वो कहाँ चली गई है ना। मतलब कि यार ऐसा होता है कि भाई हमने रख दिया, पॉलिथीन भर के दिया तो पॉलिथीन रख दी, भाई साहब वो सामान मिलता नहीं है। तो गाइस इस तरह से काम बहुत लेट हो जाता है यार, बड़ी दिक्कत होती है भाई, यकीन मानिए। तो भाई मैं जा रहा हूँ सामान लेने, तो देखते गाइस क्या क्या लेकर आते हैं, काफी मजा आने वाला इस लोग में। चलते का सीधा वहीं, काफी अच्छे आदमी हैं दोनों, जय वीरू और इनके लल्ला। देखते गाइस क्या क्या लेकर आते हैं, ब्लॉग में काफी मजा आएगा बॉस। अभी भी ताज़ा जानकर से पता लगा है कि भाई इशू मोटरसाइकिल ले गए हैं। मेरे साथ अक्सर गाइस यही होता है कि भाई कोई ना कोई मोटरसाइकिल लेके चला ही जाता है, तो यहाँ पे धड़ल जैसा काम चल रहा है। ओ इशू भाई आगे, मैं अपना पुराना वाला काम कर रहा हूँ। अच्छा अरे भाई सही साफ करियो। अरे ये क्या है? ओ भैया ये रन दो पूरा का पूरा, भाई सब ए से लेके जेड तक एड्रेस है, मतलब कोई भी घर पर आ जाएगा। मुझे ऐसे देख लो भाई, देखो वो जो प्लेट है वहाँ लगेगी, ये एडवोकेट वाली प्लेट है, ये हमारे वकील साहब है और इन्हें सारी चीजें कागज वागज मिल गए हैं भाई, मतलब कागजों से वकील है और वैसी वकील साहब है, तो कोई टक्कर नहीं लेगा। ओ मेरे भाई आ रहे हैं। अबे गधे, ओ सॉरी, अबे लौंडा कैसे हो, भाग जाओ। ये कंट्रोल करते हैं, बल्कि इनका डंडा कंट्रोल करता है। खोज भाई कैसे रहे हो? ऐसे चला गाइस फटाफट चलते हैं मार्केट, इधर अंदर डाल देते, बैग के अंदर डाल देते। तो बच्चे को पहचान कर दिया, जाओ बेटा जाओ, इनसे दूर रह करो, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो भाई अगर मैं न्यूज वाला होता तो इनसे पूछता कैसा लग रहा है आपको। अरे यार हमें माफ करो यार, कैसा फील हो रहा है, तुम यहाँ से जाओ यार। और आपके भाई आ रहे हैं पीछे वाले, आई एम सॉरी। तो किसी महान शख्स ने कहा है कि मोटरसाइकिल दूर से चलवाओ। भाई ये मान लो एक बात, अगर 11 बज गया ना गाइस, मतलब हमने काम नहीं करा और 11 बज गए, तो भाई से फिर काम करने मन नहीं करता ना, फिर तो नींद सी आवे, बेहोशी सी हालत हो जाए ऐसी, मतलब कि जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया हो, मतलब कितने बड़े मरीज हो। अब फौज भाई सर मुझे तो साथ ले चलो, कहाँ पहुँच गए चलो। तो भैया अभी ट्रैक्टर वाले भैया आए थे तो उन्होंने गली बंद कर दी, जाम कर दी। फौजू भाई हमारे उस्ताद आदमी, कारगर आदमी, उन्होंने मेरे को वहाँ फेंक दिया, पर भाई तू वहाँ उतर जा। भाई इस मोहल्ले का नाम है चल लो भाई, कि हमारी जब मैं छोटा था ना, हम 7-8 साल का, देखो ये वो जगह यहाँ पे पहले पटरी थी। भैया बंदरों ने घेर लिया मेरे को, मैं केले लेकर आ रहा था पहले में झोले में, हाँ पप्पा ने खरीद को मुझे भेज दिया था, मैं 10-12 साल का था कि बेटा जाओ, पहले चला गया थी, इस टाइम मई चलती नहीं थी। तो भाई यकीन मानिए बंदर मैंने यहाँ चढ़ गया जीने पे, काफी लोग कह रहे थे बच्चों को खा जाएंगे बंदर, भैया कि सारे भक्का है जब जाकर बंदर आ गए, लेकिन भाई पहले ले गए थे मेरा। अरे ऐसा है ना जय वीर, कोई सभी रुक जाओ। नमस्कार सत श्रीकाल, कैसे हो सलमान खान? बहुत बढ़िया। जय वीरू कहाँ चले गए? अच्छा अरे पापा नाम तो जय वीर ही बोला भी। तो भैया मैंने एक लिस्ट बनाई है सामान की, छोटा सा सामान है यार, एक साल पहले आया था ना, मैं निकाल दो हमारा थोड़ा बहुत सामान, और 78.05 निकाल दो, 5 IC 78.05 IC। वाह, इस हिसाब से मोदी जी से भी आगे जाऊंगा मैं। तो 5 हो गए भैया, और हो गए सोल्डिंग आयरन, वो पतली वाली बिट आती है ना सोल्डर की, 35 वाट का जो होता है, सिरोन का है शायद, हाँ इसकी बिट दे दो, दो आगे की ओनली बिट, गरीब आदमी है, सारे ऐसे गरीब हो मजा आ। अरे मजे तो तुम ही ले रहे हो, हमारे असली सोने के है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल भाई, छील के देखो कि भाई पीले निकलेंगे अंदर। 10 प्रोपलर निकाल दो छोटी वाली, इसका प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में आ रहा भैया, निकाल दो कलरफुल, देखो कैसी कलरफुल है भाई, मजेदार। 1, 2, 3, 4, 5 चलो। अरे यार सफेद तो तुमने ज्यादा दी, सफेद कम दो, हमारे दर्शकों को सफेद कलर पसंद नहीं है ज्यादा। एक आध एक्स्ट्रा आ भी गई तो क्या दिक्कत हो गई, कहाँ लेके जाओगे पैसा, मोटर दे दो 130 नंबर वाला जो डीसी 3 वोल्ट का डीसी मोटर। तो काफी लोग कहते हैं कि समर मोटर कहाँ से लाते हो, कई बार तो लिया यहाँ से यार, काफी बार तो बता दी, भी दिखा देता हूँ कोई बात नहीं, और ही निकाल लेंगे। हाँ अरे हाँ 130 नंबर का, मैं इसे कितनी 10 दे दो, चलो भैया बोन टायर दे दो, हाँ बड़ी दे दो। अरे 5 मिनट में सूखने वाली है, कौन सी रैपिड, अरे 2 घंटे में सेट हो ये भी। तो भैया चलो दे दो, ये कौन सी आ गई बोन टाइट, अच्छा एस्ट्रल वाली है, अच्छा सलमान खान का फोटो था इस पर, तुम अपने लगा दो कम से कम, तुम भी तो सलमान खान ही हो, और क्या बताओ तुम यार, निपर है निपर ये वाला। तो बताइएगा इस और क्या चाहिए भैया, जो हापुड़ का बंदा हो सामान ला सकता, सामान बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलता है, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, सस्ते दामों में मिलता, आ सकते हो भैया, हापुड़ वालों को पता है दुकान कहाँ है, मैं नंबर वंबर नहीं दूंगा वरना गाइस काफी परेशान कर देते हैं लोग। तो खैर हो गया, बस पैसे जोड़ लो। देखो ऐसे कहने से जो ना डिस्काउंट अच्छा मिलता है, आदमी बहुत बढ़िया, भाव कम हो जाएंगे, भाव इनके कम होंगे हमारे कम होंगे पता नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, 175 प्राइस है, तुमने 170 जोड़ दिया इसका, ये गलत बात हमारी, ये भी तुम्हारा स्पेशल डिस्काउंट, भाई करेक्शन कराना पड़ेगा, दिख रहा इनके पप्पा से बात करेंगे, लग रहा तुम्हें चेक मांग, तुम जो ना चेक लोगे जिसपे सिग्नेचर भी न होंगे मेरे, भाई 3 टूट चुके हैं मेरे, यकीन मानिए भाई 435, ओ माय गॉड कहां से लाऊंगा इतना मोटा पैसा मैं, बुझो भाई दंगे पैसा कम मत समझना, 3 तोड़ चुका हूं मैं, ये पता नहीं किसने बनाया था, तो आज तक गाड़ी इंपोर्टेड फ्रॉम लुधियाना, हाँ समझ गया मैं। चलो भैया देखो प्राइस देख लो, प्राइस बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई ये मत जाना, काफी लोग आते हैं लोकल में कि यार आपने समर भाई को इतने का दिया और हमें इतने का दे रहे हो, भाई ऐसा होता है कि मैं बल्क में सामान लेता हूँ, अगर एक आध चीज आप ले रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत 2-4 रुपए बचा लेते हैं, तो बेचारा की देखना कितना गरीब आदमी, लगाना भैया जरा साइड में जी गाड़ी का।
बस कर यार, बहुत लंबा म्यूजिक लगा दिया यार, बस कर। चलो भाई, तो ये 9 रुपए का मोटर है, मैंने आपको ऐसी चीज दिखा दी है, तो काफी रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे सामान मिलता है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं यहीं से सामान लेता हूँ, बस ये प्रमोशन कुछ नहीं भैया। आपको मन हो लो, ना हो तो कहीं ट्राई कर लो, फिर यहाँ पे आओगे। इतना सारा सामान ले लिया, कितने पे बैठे? 435। ठीक है, लिख लेना। चलो, अरे ना यार, हाथ हाथ दे दो भैया, पप्पा बहुत मारेंगे। तो गाइस, अभी मेरे को पता लगी भाई, मैं पर्स भूल गया घर पर, तो भैया मैं ऑनलाइन फेंक के मारता हूँ। कोई बात नहीं, 435 रुपए का पूरा पड़ा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस, अलविदा लेते हैं, जो शॉपिंग करनी थी मैंने कर ली है। तो खैर, मिलते हैं भैया अपने स्टूडियो में। हाँ फौजी भाई, बहुत कबाड़ा मोटरसाइकिल चलाई, जो बात है। तो भाई, मैं कुछ और भी सामान लेकर आऊँ, ये रही, अभी आपकी स्टूडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है? अरे घदों ने सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। लो फौजी भाई, ऊपर लेकर पहुंचो। अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुम पूरे हीरो लग रहे हो। बाल कटवाने गए भाई। बाल कटवाने गए? तुमने कटवाए बाल? नहीं, तो कटवा लिए। कटवाने चाहिए, अच्छी बात है। तो भैया, कैमरे हमारे बहुत मस्त काम कर रहे हैं, बिल्कुल HD क्लियर हो गए। जो बात, बिजली घर बना रखा भाई पूरा हमने। किसी को सुसाइड करना हो तो यहाँ पे साइड में आकर सुसू कर सकता है। और ये रे हमारे इंजीनियर साहब, नाई का खर्चा बचाते हुए, सारे पैसे तुम ही बचा लोगे, कहाँ लेके जाओ कितना मोटा पैसा। अच्छा, मशीन खरीद लोगे दूसरी? तो भैया, ये है वाइब्रेशन वाली मशीन, काफी खतरनाक वाइब्रेशन करती है। दिखाना भाई। ओ भाई पकड़ो, जल्दी पकड़ो। यही है भैया पहलवान, टेन टेन जहाँ से आए थे वहीं पर आ गए। ये क्या बोल दिया मैंने? तो भाई साहब, आपने देख लिया कि मैं क्या का सामान लेकर आया। तो मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ, बारी बारी भी दिखाऊंगा, मोटा मोटा भी दिखाऊंगा, सब चीज दिखाऊंगा। भाई 9 रुपए का एक मिला है मेरे को। तो यार कोई फेक नहीं भाई, जो मैं बोलता हूँ है ना, वो गाइस 100% रियल, इसलिए होता है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलता, वैसे ये जोक नहीं था। और 78.05 के 5। और भाई, ये कुछ बिट सोल्डिंग आयरन की, क्योंकि गाइस मेरी बिट की काफी हालत खराब है। आई एम सॉरी, मेरी बिट की हालत खराब नहीं, मेरे सोल्डिंग आयरन की बिट की ज्यादा हालत खराब है। ये भाई 10 मोटर है और 10 इनकी प्रोपेलर है, ये रही। और ये बोन टाइट उन्होंने ऐसी दे दी, तो भाई मैं लेकर आ गया। ये आए 2 घंटे में सोखती है, ये रे भाई, लगाने का भी जुगाड़ है भैया। ये काफी मस्त चीज है भाई, हमारे काम आई जाती है। यूज ब्लू कैप ओनली, ये भाई अलग अलग रखते हैं, जैसे रखी हुई थी। ये तो भाई वही है, कम प्राइस पे 170 रुपए की मिली है, 175 इस पे प्राइस है। ये इस पे जो प्राइस है भैया, ये 80 रुपए, ये मुझे 60 रुपए का मिला है। ये इनकी मुझे पता नहीं, मैं और भी चीज लेकर आऊँ। जैसे भाई, ये डबल साइड टेप है ना, मैं इनका क्या ब्लॉग बनाऊँ, दिखा दूंगा आपको। ये भाई पता नहीं कितने की मिली है, टोटल सामान 180 रुपए का है। ये भैया डोम्स की पेंसिल, और भैया जो अच्छे लगे दे देते हैं। इसके साथ मैं कटर मांग रहा था, वो कह रहे भाई कटर इसके अंदर ही है, कटर और रबड़ इसके अंदर ही है। ओ भाई, किस टाइप की रबड़ है? ओए भाई, क्या मस्त लग रही है, देखा बस। ए बढ़िया भाई, है ना, चलो इसके अंदर ही रख देते हैं, बच्चे अच्छे ले लेंगे भाई, हमारे काम तो आते नहीं। हमारा काम तो सिर्फ पेंसिल और कटर जाता है, तो वहाँ पे इसके अंदर। और ये भाई एक स्केल, जो कि पूरा फुटा है एक फुट का। और भाई, ये स्केल मैं मांग रहा था बड़ा देता, तो उन्होंने ये कुछ अलग टाइप के स्केल दे दिए। कहते भाई इनसे दोबारा दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा, ही कवाल दे दिया। तो भाई पता लगी, ये ऐसे घूम जाता है, ये बढ़िया भाई, देख रहे हो, ये भाई ऐसे हो जाएगा, ये रे देखो, ऐसे छोटा हो जाएगा और भाई ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। पर भाई ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है भाई, रुके ना, नहीं टूट जाएगा, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, प्लास्टिक तो है भाई, तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हमारे पास तो भाई वैसे भी नहीं चल पाता, ये तो फिर भी ऐसा है, हैक पैक का मारते हैं तो भाई टूट जाता है, ठीक है। तो ये मैं 2 लेकर आया हूँ, एक जल्दी खराब हो जाएगा। सारे स्केलों के भाई इतने जीव पड़ी है, देखो भाई ये रहा हमारा स्केल, देख रहा है ये रहा भाई, इतना मजबूत है ये, तो भाई कुछ भी नहीं है। कहाँ गया वो भाई, तो इसकी क्वालिटी तो कुछ भी नहीं है, इसका आगे जैसे है ना मजबूत, ये भाई बिल्कुल पतला सा है, ठीक है। तो भाई जब इसकी हालत खराब होगी तो भाई साहब ये तो कुछ है ही नहीं, टूट जाएंगे। और मैं ये भी लेकर आ गया, मैं भाई अच्छा सा कोई स्केल दे दो, अब आएगा थोड़ा मजा, कैमरे पे दिखता नहीं भाई, में दिखता ही नहीं भाई, यकीन मानिए इसमें पड़ता है। गाइस थोड़ी चीज और लेकर आऊँ भैया, ये रही फैन रेगुलेटर, और ये मैं 3 लेकर आऊँ। मैं एक चीज नहीं लाता, मैं 3-4-5 चीज लेकर आता हूँ, बाय चांस वो इधर उधर चली जाती है, गिर जाती है, खो जाती है, पूछ जाती है, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो भैया दूसरी तो काम आती है, लेकिन भाई साहब मुझे यकीन है एक यूज करूंगा 2 मिलेंगे ही नहीं, जब सफाई करूंगा तब मिलेंगे, खैर जो बात है। और भाई साहब ये रहे कुछ मार्कर भी लेकर आऊँ, लाने पड़ते हैं यार, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अगर ना खुला छोड़ दो तो खत्म। 2 ब्लू 2 ग्रीन और 2 ब्लैक 2 रेड, और भैया मोटे वाले ब्लैक एंड रेड, और भाई ये वाला बढ़िया है, और ये भाई 50 रुपए का मिला है मेरे को। 2.3 mm की इसकी लाइन है, देखो 2.3 mm, ये मेटल के लिए होता है, लोहे के लिए, और ये किसी भी वैसे कर देगा, देखिए देख रहे हो, ये भाई जी रहा, इसे ऐसे लाना पड़ता है, वैसे दबा दबा के काम हो जाता है। जैसे गाइस कभी भी इलेक्ट्रिक साइकिल या कोई मेटल का काम करते हैं, तो गाइस वहां पर मार्कर काम नहीं करता, तो गाइस ये बढ़िया काम करेगा वहां पर, जो बात है अलग ही चमकी भाई सब लाइन। और 2.3 mm है ना, उससे ज्यादा गाइस जो पत्ता होता है ना एंगल ग्राइंडर का ब्लेड, वो ले जाता है खाने में, यानी काटने में वो ले जाता है। तो गाइस काफी टाइम हो गया और फोन भी आ रहा है मेरा, जाओ भी। तो गाइस आप टाइम देख सकते हो भाई, 12:11 हो गई है, तो गाइस काफी टाइम हो जाता है। तो गाइस हर जगह एक चीज नहीं मिलती, इधर उधर से ढूंढनी पड़ती है, लानी पड़ती है। तो
गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस फटाफट अब मैं समर एक्सपेरिमेंट काम से रखता हूँ, जल्दी गाइस आपको वीडियो मिल जाएगी है ना। तो आज डालने वाले गाइस कूलर की वीडियो, जो बांस का कूलर बनाया ना मैंने भाई साहब, क्या मस्त है। देखिए भाई ये रहा बांस का कूलर, बिल्कुल मस्त भाई, बेहतरीन भाई, मजे आ गया। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भाई जो पता है ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, पहले फोन को सुन लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।